नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं झटियारिया भाजी की साग। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले धोना पड़ेगा, तो हम लोग धो लेते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से धोना पड़ेगा, तो हम लोग धो लेते हैं इसको अच्छे से। और देख सकते हो कैसे धो रहे हैं हम लोग अपना भाजी है दोस्तों। ये लाल भाजी और क्या बोलते हैं, बटियारा भाजी बोलते हैं, बटियारा बोलता हूँ, जटियारा भाजी बोलते हैं इसको। और मेरे को भी नाम उतना पता नहीं है दोस्तों। क्या क्या देख रहे हो, मेरी पत्नी बना रही है। और ये इसको देखो, इसको इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, देख रहे हो, लेके भाग रहा है। इसी में छन्नी करेंगे दोस्तों, पानी जितना को निकालना पड़ेगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं चलो, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसका रेसिपी कैसे बनाया जाता है दोस्तों, इस भाजी का। तो चलो फटाफट धो लेते हैं इसको, हमने धो लिया है, इसका पानी सब निकालना पड़ेगा। और मेरा बेटा देखो ये क्या कर रहा है, देख रहे हो कैसे पानी पका दे रहा है। तो चलो अपने कढ़ाई के पास चलते हैं अभी। तो दोस्तों अपना कढ़ाई आ चुका है, देख सकते हो हमने बिठा दिया है। अब बस आग जलाना है और कढ़ाई को गर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला स्टेप पूरा होगा, आज का भाजी जटियारा भाजी का साग खाएंगे दोस्तों हम लोग। और आपको भी बनाना सिखाएंगे। और आपके घर में है तो घर में आसानी से बना सकते हो, या बाजार से लेके आ सकते हो दोस्तों इसको। और हम लोग इसे आग जला रहे हैं, देख सकते हो। तो अपने कढ़ाई में गर्म होने लगा है हल्का हल्का, तो इसी को बनाएंगे आज जटियारा भाजी का सब्जी दोस्तों। तो हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो कढ़ाई। और बस थोड़ा ही पानी बचा है इसमें, जो चिपका हुआ है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें भाजी डालेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से सिझाना पड़ेगा, उसके बाद इसको बनाएंगे, अपना अगला स्टेप करेंगे। तो भाजी को डाल देते हैं इसमें चलो। तो दोस्तों पानी अच्छे से निकाल दिया है हमने इस भाजी का, और अपने कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसको अच्छे से सिझाना पड़ता है दोस्तों, और इसको ऐसा सिझाना पड़ता है, मतलब इसके भाप से ही सिझाना पड़ता है इसको, और ऐसे ही बनाना नहीं पड़ता दोस्तों। मतलब इसमें माल मटेरियल, इसे मतलब कि मसाला मिर्च इसमें ऐसे ही नहीं डालते, तो इसको ढकना पड़ेगा। तो हम लोग ढक देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आवाज़ भी आने लगा है। और आपको मैं जैसे बोल रहा था कि इसको सिझाना पड़ता है, तो आपको दिखाता हूँ कि इसको सिझाने से क्या होता है। इसके नीचे दिखाते हैं, इसके पत्ते हैं जो है ना सिकुड़ने लगे हैं, देख सकते हो। और नमक डाल देने से और जल्दी ये सिंचता है दोस्तों, तो आप भी नमक डाल दिया कीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी को बोलता हूँ, मैं मोबाइल लेता हूँ। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। और देखो मैं जैसे बोल रहा था कि भाजी है, देखो सुखड़ने लगा है उसका पत्ता। खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, आप भी घर में बनाकर खाया कीजिए। आप तो डेली खाते होंगे, लेकिन आपको भाजी भी खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। हम लोग गाँव में ऐसे ही भाजी का आनंद लेते हैं और बनाते रहते हैं ऐसा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों कुछ देर वेट करते हैं, पूरी तरह के सीजने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं जैसे कि बोल रहा था कि पूरा पत्ते सिकड़ जाते हैं, और देख सकते हैं उसका पानी भी निकल चुका है पूरी तरीके से। लाल भाजी भी इसमें एक दे दिए हैं, तो दोस्तों लाल दिख रहा होगा आपको इसका पानी, देख सकते हो। हम लोग इसमें कलर वलर नहीं डाले हैं, और भाप भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, देख रहे हो। और अपना सब्जी कुछ देर में पक जाएगा दोस्तों, आधा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही पकाना है दोस्तों। तो दोस्तों अपना भाजी पूरी तरीके से सीझ चुका है, तो हम लोग इसको निकालने वाले हैं एक बर्तन में, जैसे कि देख सकते हो इसी में, क्योंकि पानी है दोस्तों, तो पानी को निकालना पड़ेगा अच्छे से, नीचे से निकल जाएगा इसमें छेद है। तो इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बघारना पड़ता है दोस्तों, लहसुन और मिर्च के साथ और तेल के साथ बघारना पड़ता है। तो उसको बघारना भी आपको सिखाएंगे। तो इसको पहले निकाल लेते हैं चलो एक बर्तन में, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। और भाप देखो कितना ज़्यादा आ रहा है इससे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है ये। और इसमें जो पानी बचा है देख सकते हो, खून जैसे दिख रहा है, मतलब ये खून नहीं है दोस्तों, ये फिलहाल तो लाल भाजी का उसका पानी निकला हुआ है। और इसको साइड में निकाल कर हम लोग फेंक देते हैं इसको। तो दोस्तों अपना सब काम हो चुका है, अब बस एक ही काम बचा है, जब अब स्वाद के लिए इसको तलना पड़ता है, तो उसी को तलेंगे हम लोग, मतलब क्या क्या बोलते हैं, बघारना बोलते हैं, बघार लेंगे इसको, फ्राई कर लेंगे तेल और लहसुन के साथ। जैसे कि देख सकते हो मेरी पत्नी ने नीच कर रुक चुकी है, उसको दो दो टुकड़ा काट रही है, मतलब तोड़ रही है,
अपने हाथों से, और तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें सबसे पहले लहसुन को, और उसके बाद डालेंगे मिर्च। उसके बाद आपको कैसे तलते हैं उसको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें दे दिया है, देख सकते हो, लहसुन, और लहसुन भी उबलना लगा है दोस्तों। इसको थोड़ा कलर चेंज होने देते हैं, देख सकते हो, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। और अपना हाथ थोड़ा हिल रहा है क्योंकि गर्म है ना दोस्तों, इसलिए गर्मी ज़्यादा है। तो और उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्च डालेंगे दोस्तों। इसको सबसे पहले इसको अच्छे से पकने देते हैं थोड़ा, और क्या सुंदर दिख रहा है, देख रहे हो। और उसके बाद हमने इसमें मिर्च डाल दिया है दोस्तों। अब नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस दोस्तों, बस कुछ देर लगेगा। और पानी है तो देखो इसका तेल कैसे बाहर निकल रहा है, छिटक रहा है, मतलब मोबाइल में भी हो रहा है, अरे मेरे हाथ में भी ये आ गया, देख रहे हो। मेरी पत्नी कैसे मुस्कुरा रही है, देख रहे हो। न्यू क्या भाजी बोलते हैं उसको, रेखा, जटियारा भाजी। आज का रेसिपी है जटियारा भाजी दोस्तों, और अपना आ गया है देख सकते हो, और इसमें डाल दिए हैं। अब इसका खुशबू भी आने लगा है, मतलब जो हमने लहसुन डाला था उसका खुशबू आने लगा है। और देखो इसमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। इसको घर में आप बड़ी ही आसानी से खा सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, मतलब तो इसको अच्छे से अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चिपक गए होते हैं, तो हम लोग अलग कर देते हैं। और साउंड देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, भाप भी आ रहा है और धुआं भी आ रहा है। गांव का जटियारा भाजी का रेसिपी आज का, तो देखो अच्छे से पक चुका है दोस्तों। इसको और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस तेल में इसमें अगर भाजी तो पूरी तरीके से पहले ही पक चुका था अपना, बस इसमें डालो और इसको लहसुन के साथ तल दो, तो ये खाने योग्य हो जाता है दोस्तों। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और भाप देखो बहुत ज़्यादा, और अपना आग भी देखो थोड़ा थोड़ा जल रहा है। तो ये पूरी तरीके से पक चुका है दोस्तों, अगर आप खाना चाहो तो घर में बनाकर खा सकते हो इसको। तो चलो हम लोग साइड में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि खाने में कैसा है। तो मेरी पत्नी निकाल रही है, देख सकते हो, इधर साइड में निकाल दी है, दिख रही हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आपको भाजी का दिखाता हूँ मैं, ऐसे ही दिखाता हूँ। देखो खाने में बहुत ही गर्म है दोस्तों, मैं खा नहीं पाऊँगा इसको। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।